Hi kids, story time. Today's story is Peppa Plays with Fire. Hooray! It's bonfire night. Mama, when is the bonfire going to start? I can't wait anymore. पेपर जो था वो अपने मामा के साथ कहीं जा रहा था और वहाँ पे रात को बॉनफायर होनी थी। बॉनफायर मतलब एक थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर उनको जलाना, उसको बोलते हैं बॉनफायर। अब उसने कहा, मम्मा मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, ये कब होगी। Soon dear, they will begin soon. उसकी मामा ने कहा, बस अभी थोड़ी देर में होने ही वाली है। Look at that! Beautiful! Wow! Whoosh! अब जैसे ही bonfire start हुई, वो इतनी beautiful लग रही थी, सबको इतना सुंदर लग रहा था उसको देखना, बहुत ही मजा आ रहा था। Mama, that bonfire was so beautiful to watch. Can I play with firecrackers? पापा ने बोला कि मम्मा वो बॉनफायर तो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, देखने में मजा ही आ गया, और क्या मैं कुछ पटाखे जला सकता हूँ? नो पापा, यू आर टू यंग टू हैंडल फायर। वंस यू आर अ लिटिल ओल्डर, यू कैन लाइट एज मेनी एज यू वांट। अब उसकी मामा ने बोला, नहीं अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम फायर से आग से नहीं खेल सकते, तुम थोड़े बड़े हो जाओ फिर तुम बहुत सारे पटाखे जला लेना। हे पेपा, कम आउटसाइड, कमिंग डैन। अब पेपा का एक फ्रेंड आया और उसने कहा, जल्दी बाहर आओ, और उसने कहा, ओके डैन मैं आ रहा हूँ। My mother has brought me a box of firecrackers. Let's light one. I have a matchbox too. अब उसके फ्रेंड ने बोला कि देखो मेरी मम्मी ने मेरे को पटाखे लाके दिए हैं और मेरे पास matches भी है, matchbox. चलो हम इनको जलाते हैं. Did your mother give this? But my mama says we are too young to play with fire. It is dangerous. पापा बोलता है कि अरे सच बताओ, क्या ये तुम्हारी मामा ने तुमको दिए? क्योंकि मेरी मामा तो कहती है अभी हम बहुत छोटे हैं फायर से खेलने के लिए, और इससे हमारे को कोई खतरा भी हो सकता है। Oh come on, it will be fun. We will light only one firecracker. Promise. अब उसका फ्रेंड कहता है कि अरे कम ऑन छोड़ो ना, बड़ा मजा आएगा, चलो एक ही क्रैकर जलाएंगे, बस वन, ठीक है? ओके एज यू से। और पेपर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है, ठीक है चलो बस वन जला लेते हैं। Yes! अब डैन को तो बड़ा मजा आ रहा था फ्राई क्रैकर को जलाने में। पेपर बोला, Be careful, Dan. Do you know how to light this firecracker? Now, Peppa bola, अरे बहुत ध्यान से करना, क्या तुम्हें आता है इसको कैसे जलाते हैं? Boom! What? Ah, my eyes! और जो वो बम था वो बहुत जोर की फट गया और डैन के भी चोट लग गई और पेपर के भी चोट लग गई और दोनों रोने लग गए, माय हैंड्स। व्हाट हैपेंड? माय हैंड्स। और पापा की मामा ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? तो डैन बोला, अरे मेरे हाथ में बहुत जोर की लग गई। पापा बोला, मेरे आईज में। Didn't I tell you playing with fire can be dangerous? You could have been seriously hurt. और मामा बोली, देखा क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि फायर से नहीं खेलना चाहिए, उससे तुम्हारे को बहुत जोर की चोट लग सकती है, कितना डेंजरस हो सकता है वो, और अभी तो तुम्हें और भी ज्यादा चोट लग सकती थी। We are sorry, Mrs. Brown. It was my fault. अब डैन बोला कि सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने इसको बोला था। Now
speak and light sparklers, but both of you will have to promise that you will keep a safe distance and wear cotton gloves. अब उसकी मम्मी ने दोनों को फुलझड़ियाँ जलाकर दी और कहा कि अब हमेशा प्रॉमिस करो कि तुम इन्हें ध्यान से जलाओगे, इसको अपने से दूर रखकर एकदम सेफली और कॉटन ग्लव्स पहन के इनको जलाओगे। We promise. और दोनों ने प्रॉमिस किया कि हाँ अब हम ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे, फायर से नहीं खेलेंगे और जब कोई बड़ा हमारे साथ होगा तभी हम ऐसा काम करेंगे और इनको एंजॉय करेंगे। So children, what you have learned from the story that we should not play with fire. फायर से नहीं खेलना चाहिए, ना ही किचन में, ना ही कहीं बाहर। Okay friends, promise, you also promise that you will never play with fire. If you like this story, please hit the like button. Do share and subscribe. Bye kids, enjoy your day.